मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। लखनऊ के कप्तान कुणाल पंड्या ने आईपीएल 2023 के पहले एलिमिनेटर की हार का जिम्मा अपने सर पर डाला है। कुणाल ने मुंबई के खिलाफ 81 रन की हार के बाद कहा कि इस हार की शुरुआत उनके शॉट से हुई। कुणाल बोले, हम बहुत अच्छी पोजीशन में थे, सारा काम खराब हुआ मेरे शॉट खेलने से। ये खराब शॉट था और मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। विकेट सेम ही था, हमें बस अच्छी बैटिंग करनी थी, बस जिम्मेदारी लेनी थी, लेकिन पहले टाइम आउट के बाद हम ये नहीं कर पाए। गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही थी, हमें बस बेहतर खेलना था। कुणाल से इस मैच में डिकॉक की जगह काइल मेयर्स को उतारने पर भी सवाल हुए। इसके जवाब में वो बोले, ये हमेशा ही कठिन फैसला होता है। क्विंटन डिकॉक एक क्वालिटी बैटर हैं, लेकिन यहाँ पर काइल मेयर्स का रिकॉर्ड बेहतर है। हमें बस महसूस हुआ कि हम काइल के साथ जा सकते हैं। कुणाल ने मैच में बॉलिंग की शुरुआत स्पिनर्स से की थी। उन्होंने अपने साथ कृष्णप्पा गौतम को बॉलिंग कराई। इस पर सवाल होने पर उन्होंने कहा, उनके बैटर्स 30 बॉलर्स को अच्छे से खेलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हम कुछ अलग कर सकते हैं और स्पिनर से शुरुआत कराई। इससे पहले मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। हालांकि उनका ये फैसला शुरू में गलत साबित होता दिखा। टीम ने 38 रन के टोटल तक दोनों ओपनर्स के विकेट गंवा दिए। रोहित शर्मा 11 जबकि ईशान किशन 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बैटिंग की। दोनों ने मिलकर टोटल 104 रन तक पहुंचाया और इसी स्कोर पर सूर्या 20 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए और एक रन जोड़कर ही ग्रीन भी 23 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा ने 26 जबकि टिम डेविड ने 13 रन का योगदान दिया, जबकि निहाल वडेरा ने 12 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली। टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 182 रन बनाए। लखनऊ के लिए नवीन उलक ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, जबकि यश ठाकुर ने 3 और मोहसिन खान ने 1 विकेट लिया। जवाब में लखनऊ की शुरुआत ठीक ही हुई। एक वक्त में उन्होंने सिर्फ 2 विकेट खोकर 69 रन बना लिए थे। प्रेरक मानकर 3 और काइल मेयर्स 18 रन बनाकर आउट हुए थे और कुणाल पंड्या के साथ मिलकर मार्कस स्टोइनिस टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। तभी टाइम आउट के बाद पीयूष चावला को उड़ाने के चक्कर में कुणाल पंड्या लॉन्ग ऑन पर कैच आउट हो गए और यहीं से लखनऊ सुपर जायंट्स का पतन शुरू हो गया। पंड्या ने 8 रन बनाए। इसके बाद आयुष बडोनी 1 जबकि निकलस पुरन बिना खाता खोले आउट हुए। दीपक हुडा ने 15, गौतम ने 2, बिश्नोई ने 3 रन बनाए, जबकि स्टोइनिस 27 गेंदों पर 40 रन के साथ टीम के हाईएस्ट स्कोरर रहे। लखनऊ की पूरी टीम 101 रन पर सिमट गई। मुंबई ने मैच 81 रन से जीत लिया और इसके साथ ही वो लोग दूसरे एलिमिनेटर तक पहुंच गए। यहां उन्हें कुणाल के भाई हार्दिक पंड्या की टीम गुजरात टाइटन से भिड़ना है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।